أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طالب علم ساتھیو عزيز ساتھیو ہمارا آج کا موضوع بارہویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے بارہویں جماعت حصہ نثر مضمون ہے پھر وطنیت کی طرف جس کے مصنف ہیں مولانا صلاح الدین احمد اور آج اس ویڈیو میں اس مضمون کے مشکی سوالات को हल करने की एक कोशिश की जाएगी और उन मशकी सवालात के ज़रिए इस सबक को हम समझने की एक कोशिश करेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मौजू है फिर वतनियत की तरफ मशकी सवालात। जी जी पहला सवाल है, पाकिस्तान के क़याम से पहले इस्लामिया ने हिंद के दिल किस जज्बे से सरशार थे? यानी क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल किस किस्म के जज्बात से मामूर थे, किस जज्बे से सरशार थे? तो अजीज साथियों, इसको ज़रा समझ लीजिए कि सबसे पहले मज़मून और मुसन्निफ़ का हवाला दे दीजिए, यानी उनका नाम सवाल के जवाब में देना ज़रूरी है ताकि जवाब देने में आसानी हो। मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद बयान करते हैं कि क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमाना ने हिंद के दिल मिल्लत की वहदत के जज्बे से सरशार थे। वहदत मिल्लत के जज्बे से सरशार थे, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते थे और मुसलमानों ने हिंद का यही जज्बा हमारे कौमी वतन के क़याम का बायस बना। तो अजीज साथियों, ये इस सवाल का जवाब है कि क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान के मुसलमान वहदत मिल्लत के जज्बे से सरशार थे, यानी वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते थे। जी अगला सवाल है कि हमारा कौमी नस्बुल ऐन क्या है, कौम की हैसियत से हमारा मकसद क्या है, हमारा कौमी नस्बुल ऐन क्या है? तो मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद बयान करते हैं कि हमारा कौमी नस्बुल ऐन अपने प्यारे वतन की दिलो जान से हिफाजत करना है और इस हिफाजत को यकीनी बनाना है, इसकी तरक्की और सलामती के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है और इस आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान को इस्लाम का एक मिसाली नमूना बनाना है, ऐसा मिसाली नमूना जो रहती दुनिया के लिए मिसाल हो। ठीक है जी, ये हमारा कौमी नस्बुल ऐन है। जी सवाल नंबर तीन है कि कौमी नस्बुल ऐन के हुसूल का सीधा रास्ता कौन सा है, यानी हम किस रास्ते पर चलकर अपने कौमी मकसद को हासिल कर सकते हैं? तो कौमी नस्बुल ऐन के हुसूल का सीधा रास्ता मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद यूं बयान करते हैं कि कौमी नस्बुल ऐन के हुसूल का सीधा रास्ता ये है कि मुल्क की अक्सरियत और अक्लियत दोनों मिलकर इस वतन को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें और अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डाल दें, नज़रअंदाज कर दें अपने ज़ाती मफादात को, अपने ज़ाती अगराज व मकासद को भूल कर सिर्फ मुल्की मफादात को पेश नज़र रखें और मुल्की फलाह बहबूद और इस्तेहकाम के लिए ये दोनों अक्सरियत और अक्लियत मिलकर ये मुल्की मफादात और मुल्की इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिश करें। तो ये इस तरीके पर चलकर हम अपने कौमी नस्बुल ऐन को हासिल कर सकते हैं।
अगला सवाल है, हमें पाकिस्तान का तसव्वुर किसने दिया? बहुत आसान सवाल है। मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद बयान करते हैं कि हमें पाकिस्तान का तसव्वुर, इस आज़ाद इस्लामी रियासत का तसव्वुर शायर मशरक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। अगला सवाल है, इकबाल ने मुसलमानाने हिंद की अमली सियासियात की तरफ अपनी तवज्जो क्यों मबजूल की? अल्लामा इकबाल ने मुसलमानाने हिंद की अमली सियासियात की तरफ अपनी तवज्जो क्यों मबजूल की? अजीज साथियों, ये सवाल समझने वाला है। अमली सियासियात की तरफ यानी उनका तसव्वुर तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करने का था, तो फिर ये क्या वजह थी कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ अपनी तवज्जो मोड़ ली? तो मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मुसन्निफ़ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद बयान करते हैं कि अल्लामा इकबाल पूरे आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने की बात करते थे, जो किसी हद तक अल्लामा के शायराना जज्बात से ये बात ताल्लुक़ रखती थी। यानी इस बात को कि पूरी आलम इस्लाम को मुत्तहिद किया जाए, इसको हम अल्लामा इकबाल की शायराना अलहमात कह सकते हैं, शायराना जज्बात कह सकते हैं बकौल मुसन्निफ के। तो जब अल्लामा इकबाल ने जज्बात से हकीकी दुनिया की तरफ रजू किया, तो उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों का हल शायरी से ज्यादा अमली सियासियात में नजर आया। अल्लामा ने जब देखा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए उनकी कोशिशें काफ़ी नहीं हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, एक अलहदा इस्लामी रियासत के कयाम के लिए अमली सियासत के ज़रिए जिद्दोजहद शुरू की, और फिर उन्होंने एक अलग वतन के कयाम का तसव्वुर पेश किया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वजह क्या थी कि जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं है या उनकी कोशिशें काफ़ी नहीं हैं, तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान में ही एक अलग इस्लामी रियासत के कयाम पर तवज्जो दी, और वो तसव्वुर दिया कि मुसलमान एक अलग और आज़ाद इस्लामी रियासत में सांस ले सकेंगे। सवाल नंबर 6 है, इकबाल का तसव्वुरे पाकिस्तान उसके आफाकगीर तसव्वुरे मिल्लत से क्यों निस्बत नहीं रखता था? इकबाल का तसव्वुरे पाकिस्तान, पाकिस्तान का तसव्वुर उनके आफाकगीर तसव्वुरे मिल्लत से निस्बत, यानी इन दोनों में किस तरह से ताल्लुक नहीं है, निस्बत क्यों नहीं है इन दोनों में? तो मज़मून फिर वतनियत की तरफ में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद बयान करते हैं कि चूंकि अल्लामा इकबाल ने हमेशा अपने अशार के ज़रिए आलम इस्लाम के इत्तेहाद के साथ साथ एक खिलाफत की बात की है, यानी वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते थे, इसलिए उनका अलग इस्लामी ममलिकत के कयाम का तसव्वुर उनके पहले तसव्वुर मिल्लत से बिल्कुल निस्बत नहीं रखता, मुनासबत नहीं रखता, क्योंकि ये एक महदूद तसव्वुर था। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये महदूद तसव्वुर ही एक लामहदूद मिल्लत के तसव्वुर का नुक्ते आगाज है। ये महदूद तसव्वुर वतन जो है मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन के कयाम का तसव्वुर जो है, ये एक महदूद तसव्वुर है। लेकिन यही महदूद तसव्वुर एक लामहदूद मिल्लत के तसव्वुर का नुक्ते आगाज है। ठीक है जी,
जी सवाल है, जब हमने आजाद वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया तो बकौल मुसन्निफ मंतकी तौर पर हमारे लिए क्या लाजिम है। तो अजीज साथियों, इसमें भी मुसन्निफ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं कि चूंकि अब हम आजाद हैं तो मंतकी तौर पर हमारे लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने वतन की हिफाजत को मुकद्दम समझें, इसकी सलामती और इसके फरोग के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बयान किया गया कि हमारी वतन परस्ती हमारे मिल्ली रवाबित पर गालिब ना आए, यानी मुसलमान मिल्लत की हैसियत से, मुसलमान कौम की हैसियत से कहीं हम हुब्बुल वतनी के सिलसिले में, कहीं हम वतन परस्ती में पढ़कर अपने इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को भुला ना दें। तो ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना है और साथ साथ ये भी देखना है कि हम अपने वतन की हिफाजत, इसके तहफ्फुज़ और इसके फरोग को तमाम दीगर फराइज पर तरजीह दें, क्योंकि इस वतन की सलामती के साथ हमारे तमाम इम्कानात वाबस्ता हैं कि ये वतन सलामत है तो हम सलामत हैं और हमारी तमाम ख्वाहिशात इस वतन की सलामती के साथ ही पूरी हो सकती हैं। सवाल है, टीपू सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सैयद जमालुद्दीन अफगानी और अल्लामा इकबाल किस मुश्तरक तसव्वुर के मुबल्लिग थे। तो इसका जवाब है कि मजमून फिर वतनियत की तरफ में, मुसन्निफ मौलाना सलाहुद्दीन अहमद कहते हैं कि ये सब अजीम लोग थे जो मुसलमानों को मुत्तहिद देखना चाहते थे और साथ ही एक आलमगीर इस्लामी ममलिकत के तसव्वुर के मुबल्लिग थे, आलमगीर इस्लामी ममलिकत के तसव्वुर के मुबल्लिग थे। ये चारों मशाहिर चाहते थे कि इस्लामी ममालिक की एक मुश्तरक तंजीम बनाई जाए जो मुसलमानों के हकूक का मुश्तरक लाए है अमल इख्तियार करे।